हेलो स्टूडेंट्स दिस इज प्राची वेलकम टू अवर चैनल आज हम करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ चैप्टर फिफ्थ एक्सरसाइज 5.4 की इंट्रोडक्शन जिसके अंदर हम बात करेंगे कि एक्सपोनेंशियल एंड लोगैरिथम फंक्शंस क्या होते हैं क्या इनके डेरिवेटिव्स रहते हैं किस तरीके से हम उनको सॉल्व करते हैं ऑल्सो इससे पहले कि हमने 5.3 तक की जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं उनके इंट्रोडक्शन्स हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं वो सब हम कवर कर चुके हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज वेल well एज यहाँ तक के जितने भी चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप जाके पहले इसको थ्रू कर सकते हैं तो आज हम मेनली बात करेंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शंस पहले तो क्या होते हैं और उनके बाद उनका हम डेरिवेटिव्स के हम फॉर्मूलाज पढ़ेंगे ठीक है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या हैं सबसे पहले अगर हम जितनी नॉलेज हमें है उसके बारे में बात करें एक्सपोनेंशियल के बारे में हम क्या बात करते थे कि पावर है ना जैसे कि अगर मैं कहती हूँ टू की पावर टू क्या है फोर ठीक है टू की पावर थ्री क्या है एट टू टूजा फोर फोर टूज़ा एट टू की पावर फोर फिर आ जाएगा सिक्सटीन टू की पावर फाइव ये है थर्टी टू तो इन फंक्शंस को हम एक्सपोनशियल फंक्शंस कहते हैं कि जिसमें हम पावर की बात कर रहे होते हैं राइट right? तो ये तो नमेरिकल वैल्यूज हो गई इसको अगर मुझे एक जर्नल फॉर्म में लिखना हो तो इसको जर्नल फॉर्म में मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको मैं जर्नल फॉर्म में लिख सकती हूं a की पावर x इज इक्वल्स टू वाई अब आप यहां देख पा रहे हो a क्या है बेस इसे हम बोलते हैं बेस x क्या हो गई हमारी इनपुट और y क्या हो गई हमारी आउटपुट ठीक है तो ये हो गया एक तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन ठीक है यहाँ पर हम एक कंडीशन लगा देते हैं कि जो ए है ना यानी कि जो बेस है आपका वो ग्रेटर देन वन होना चाहिए क्यों जीरोस की पावर तो जीरो रहेगी है ना वन की पावर जो होगी वन की पावर टू कर दो वन की पावर थ्री वन की पावर फाइव कर दो वो भी वन ही रहेगी राइट right? तो यानी कि हम कहेंगे ये हमारा जो स्टार्ट होता है बेस वो कहाँ से स्टार्ट होता है ए जो होता है वो ग्रेटर देन वन होता है ठीक है तो फिर टू थ्री फोर फाइव जिस मर्जी की पावर हम एक्स इसकी इनपुट देते रहते हैं और आउटपुट हमें मिलती रहती है वाई में ठीक है तो एक्स हो गई आपकी तरीके से इनपुट ये भी मैं ल, आ, कोई डेफिनेशन नहीं लिख रही हूँ ये सिर्फ अभी मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ ठीक है एक्स होगी आपकी इनपुट वाई होगी आपकी आउटपुट एक तरीके से ठीक है अगर ये तो हमारे अभी तक हमें क्या था एक नॉलेज थी ठीक है इसी नॉलेज को अगर मैं एक डेफिनेशन की फॉर्म में लिखूँ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को अगर मुझे डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे हम लिखेंगे द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद बेस ए ग्रेटर देन वन इज द फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है y इक्वल्स टू b की पावर सॉरी a की पावर x बेस लिया ना हमने y इक्वल्स टू a की पावर x इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं ठीक है अब यहाँ पे अगर मैं अब यहाँ हम इनके इनपुट और आउटपुट की बात करते हैं तो मैथ्स की लैंग्वेज में इनपुट को हम क्या बोलते हैं डोमेन और आउटपुट क्या होती है रेंज राइट right? इनके बारे में हमने पढ़ रखा है तो यहाँ पर देखो अगर मैं डोमेन की बात करती हूँ कि मैं क्या इनपुट दे सकती हूँ तो इनपुट तो मैं कुछ भी दे सकती हूँ ना यहाँ पे ठीक है जैसे कि यहाँ पर और इनपुट देखो यहाँ पर टू की पावर ज़ीरो क्या हो जाएगी वन ज़ीरो पुट कर सकते हैं टू की पावर माइनस वन क्या हो जाएगी वन बाई टू टू की पावर माइनस टू क्या हो जाएगी वन बाई फोर हो जाएगी तो मैं इनपुट तो कुछ भी दे सकती हूँ जीरो माइनस में भी पॉजिटिव में भी ठीक है कुछ भी दे सकते हैं तो यानी कि हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि इसकी जो डोमेन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है आपके ऑल रियल नंबर्स है ना ऑल रियल नंबर्स तो हम रियल नंबर्स में पॉजिटिव नेगेटिव जीरो फ्रैक्शन सब आते हैं लेकिन अगर मैं रेंज की बात करती हूँ कि हमारी आउटपुट क्या आ रही है तो आउटपुट आप देख पा रहे हो आउटपुट जो है वो सारी की सारी हमारे पॉजिटिव में आ रहे हैं है ना ज़ीरो भी नहीं आ रहा ज़ीरो कैसे आएगा अगर मैं एक्स को जीरो पुट करी तो मेरे पास वन आ रहा है है ना इनपुट अगर मैं जीरो दे रही हूँ तो आउटपुट मेरे पास वन आ रहा है तो मैं एक्स से कोई भी पावर ले लूँ जीरो नहीं आ रहा मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहे हैं सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स आ रहे हैं तो यानी कि यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिख सकती हूँ कि हमारी जो रेंज है रेंज क्या आ रही है आपकी ऑल ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स ठीक है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स ना ज़ीरो आ रहा है और ना ही आपके पास क्या आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है ठीक है और अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं ठीक है अगर हम ग्राफ बनाते हैं एक्स और वाई के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो हमें क्या मिलेगा ज़ीरो पे एक्स जीरो पे हमें क्या मिलेगा वन मिलेगा इसी तरीके से अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करती हूँ तो देखो क्या बनेगा इसका टेबल बनाते हैं पहले तो मान लो ये एक्स है ये वाई है और यह हम कुछ वैल्यूज ले लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले अगर मैं जीरो की बात करती हूँ तो जीरो पे हमें मिलता है वन ठीक है फिर अगर मैं माइनस वन पुट करती हूँ तो मुझे मिलता है वन बाई टू माइनस टू पुट करती हूँ तो वन बाई फोर पॉजिटिव में जाते हैं तो फोर मिल रहा है थ्री कर रहे हैं तो एट मिल रहा है एंड सो ऑन सो ऑन चल रहा है अगर इन्हीं वैल्यू से मैं ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूँ तो मुझे क्या मिलेगा ग्राफ में मान लो ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है ठीक है तो इसको मैं क्या कर रही हूँ एक तरीके से मैं यहाँ पे बना लेते हैं जैसे कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ऐसे ही वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड सो ऑन ठीक है तो अब देखना पॉइंट्स को जीरो पे वन एक्स जीरो वाई वन ये पॉइंट मिल रहा है हमें ठीक है माइनस वन पे हमें मिल रहा है वन बाई टू यानी कि ये मिल रहा है वन बाई टू इसका हाफ हो जाएगा ठीक है माइनस टू पे मिल रहा है वन बाय फोर यानी कि और नीचे चला जाएगा ऐसे अगर हम और जाएंगे तो और नीचे नीचे जाता रहेगा पॉजिटिव की तरफ जाए हम अगर मैं टू की पावर वन पुट करती हूँ तो मुझे टू मिल रहा है ना तो टू की पावर वन पे टू मिल रहा है टू एक्स अगर हम टू करते हैं तो मुझे मिल रहा है फोर मिल रहा है थ्री करते हैं तो एट मिल रहा है ठीक है अगर मैं सबको ज्वाइन करूँ तो क्या मिल रहा है इस तरीके से ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ से मैं जितनी मर्जी इसको पास ले जाओ पास ले जाओ ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा क्यों क्योंकि x की कोई भी वैल्यू पुट करने पर y मुझे ज़ीरो नहीं मिल रहा तो यानी कि ये इसके साथ साथ अप्रोच करता चलेगा लेकिन ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा और ये डेफिनेटली पॉइंट हमें मिलेगा ही मिलेगा जीरो वन एक्स जब ज़ीरो है तो y हमारा वन है इसी तरीके से अगर ये हम आगे लेके जाएंगे तो ऐसे ही ऊपर तक जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा तो ये एक ग्राफ हमें मिला है एक्सपोनेंट का ठीक है एक्सपोनशियल फंक्शन का हमें एक ग्राफ मिला है जिसके अंदर हमने देखा डोमेन देखी उसकी और हमने क्या देखी है रेंज देखी है यहां तक तो चलो हमें फिर भी नॉलेज थी ठीक है कि ये होते हैं एक्सपोनेंशियल होते हैं उसको हमने जनरल फॉर्म में लिख दिया चलो ज्यादा से ज्यादा हमने ग्राफ जान लिया डोमेन जान ली रेंज जान ली ठीक है अब हम इसी से ही रिलेटेड एक और एडवांस बात करेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में भी दो तरीके के एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं एक होते हैं कॉमन और एक होते हैं नेचुरल वो क्या होते हैं तो पहले हम बात करते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि जब कभी भी बेस आपके पास टेन होगा हम जनरली क्या लिखते हैं y इक्वल्स टू ए की पावर x वेर a इज़ द बेस है ना x इनपुट y आउटपुट होती है तो बेस जब हमारा टेन होगा बेस जब हमारा टेन होगा तो उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम बोल देंगे कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ठीक है क्या बोलेंगे कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर इसका भी हम ग्राफ बनाएंगे तो भी वही ग्राफ बनेगा इस तरीके का ही ग्राफ आता है ऐसे और ये अप्रोच करता रहता है जीरो को लेकिन होता नहीं है जीरो ठीक है तो ये होता है आपके पास कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब बेस आपके पास क्या हो टेन हो ठीक है अब आपके पास एक और आते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन सो सेकेंड टाइप के आपके पास आते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन अब नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं ठीक है ठीके? जैसे यहाँ पर y इक्वल्स टू ए एक्स होता है बस वहाँ पे a छोड़कर वहाँ पे ई एक्स होता है y इक्वल्स टू ई एक्स होता है वट इज़ ई वट इज ई तो ई e को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं ई गोज ई स्मेशन एंड गोज जीरो टू इन्फिनिटी ठीक है एंड ये आ जाता है वन अपॉन एन फैक्टोरियल अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है ये मुझे मिलता है वन अपॉन में जीरो फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन में वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन मे टू फैक्टोरियल एंड सो ऑनसो ऑनसो ऑन ठीक है तो वन जीरो फैक्टोरियल क्या होता है वन तो ये क्या रहेगा वन प्लस वन अपॉइंट में वन फैक्टोरियल एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन तो फर्दर जब हम इसको सॉल्व करते हैं इसकी जो वैल्यू आती है ये आती है बिटवीन टू एंड थ्री ठीक है जैसे कि पाई की वैल्यू हमें पता है थ्री पॉइंट वन फोर समथिंग समथिंग आगे चलती रहती है ऐसे ही ई e. ई e की प्रोनाउंसिएशन होती है आइलर्स नंबर E की सेशन होती है आइलर्स नंबर ठीक है तो ये होता है आइलर्स नंबर और इसका बिटवीन इसकी वैल्यू होती है टू एंड थ्री अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रहती है टू पॉइंट सेवन वन एट तो ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रहती है ठीक है दिस इज ऑयलर्स नंबर ठीक है तो मेनली हमने इसके अंदर इसी की ही बात करनी है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के अंदर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हम बात करेंगे ठीक है तो ये रहेगा ई e की पावर तो इसको हम स्टार लगा देते हैं यहां पर तो ये क्या है एक तरीके से दिस इज ए कॉन्स्टेंट और ये हो गया इसका वेरिएबल ठीक है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल दैट इज द कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन और नेचुरल में क्या हो जाएगा अब ए तो 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 की जगह अब अगर हम लॉगेरिथम uh, फंक्शंस की बात करते हैं लॉग फंक्शंस की बात करते हैं वो क्या होते हैं तो लोगैरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं द इनवर्स ऑफ द एक्सपोनशियल फंक्शनिक फंक्शंस अब ये लॉग फंक्शंस क्या है हमने तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोल दिया कि हाँ भाई इनवर्स होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का अब इसको हम कैसे बताएं इसके लिए हमें फिर से जाना पड़ेगा बिल्कुल बेसिक पर क्या होता है बेसिक जैसे अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बात करते हैं तो उसको हम कैसे लिख रहे थे y इक्वल्स टू ए की पावर x लिख रहे थे ठीक है वेयर a वॉज बेस है ना x क्या थी आपकी इनपुट यानी कि डोमेन हम यहाँ से चेक कर रहे थे वाई क्या थी आपकी आउटपुट हम यहाँ से रेंज चेक कर रहे थे अब लोगेरिथम फंक्शंस जो हैं वो इनका बिल्कुल उल्टा है ठीक है उसके हम उसके लिए क्या होता है उसमें हम ऐसे चेक करते हैं जैसे कि हम इसको लिखते हैं लॉग y इक्वल्स टू एक्स और बेस होता है आपका a, ठीक है अगेन बेस सेम है दोनों का अब जो एक्स में जो एक्सपोनेंशियल में एक्स इनपुट था वो यहाँ पर एक्स जो है वो आपका आउटपुट है और यहाँ से हमें पता चलेगी रेंज यहाँ पर वाई आपका आउटपुट था यहाँ पे वाई जो है वो आपकी इनपुट है ठीक है और यहाँ से हमें पता चलेगी इसकी डोमेन तो याद करिए एक्सपोनशियल की मैंने आपको इनपुट यानी कि डोमेन बताई थी ऑल रियल नंबर्स और आउटपुट क्या थी ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स अभी बताई थी आपको सिर्फ इसके अंदर क्या हो जाएगा बिल्कुल उल्टा हो जाएगा कि इसकी आउटपुट जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी ऑल रियल नंबर्स ठीक है और जो इनपुट हो जाएगी वो हो गई ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स ठीक है ये सारे ऑल आ जाएगी यहाँ पे ऑल हो जाएगा ठीक है और यहाँ हो जाएंगे सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स। जैसे कि एग्जाम्पल भी समझते हैं जैसे कि इसका एग्जाम्पल लो इसको हम क्या लिख देते हैं जैसे कि मान लो एट है और यहाँ है टू की पावर थ्री टू की पावर थ्री ही इज एट तो टू बेस हो गया थ्री इनपुट दी हमने और आउटपुट हमें मिली एट सेम अगर हमें लॉग की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे लॉग ए बेस टू है टू की बात हो रही है वट इज the वाई वाई इज एट इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पर थ्री तो ये है आपका इस तरीके से कि हम एट का लॉग निकाल रहे हैं बेस दे रहे हैं टू तो आंसर आएगा थ्री और सेम उल्टा चीज यहाँ पे आ जाएगी बेस टू है पावर थ्री है आंसर आएगा आपका एट क्लियर है ये बात ठीक है यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ मैं आपको जैसे इसी को ही मैं बता देती हूँ यहीं से मान लो ये ग्राफ है ठीक है ये ग्राफ है हमने इसका जो ग्राफ पढ़ा था वो इस तरीके से आ रहा था ना ग्राफ ऐसे जा रहा था है ना और ये पॉइंट पे जा रहा था जीरो वन पे जा रहा था पॉइंट पे ठीक है ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ था ठीक है सेम ग्राफ जो है सेम हम यहां पर भी ऑब्जर्व करते हैं अगर लॉग की हम बात करते हैं और वो ग्राफ कुछ ऐसे जाता है ये ऐसे इधर से अप्रोच कर रहा होता है और ये ऐसे जा रहा होता है और ये पॉइंट पे जाता है वन जीरो पे ठीक है और ये हो गया बिल्कुल वाई ठीक है तो ये हम एक तरीके से बोल सकते हैं इसकी मिरर इमेज बनाता है इसकी बिल्कुल इसकी क्या बनाता है मिरर इमेज ये हम कह सकते हैं बिल्कुल इसका क्या होता है मिरर होता है ठीक है बिल्कुल इसका इनवर्स हो गया ना बिल्कुल उल्टा हो गया जो इसकी इनपुट वो इसकी आउटपुट जो इसकी इनपुट वो इसकी आउटपुट तो सेम बिल्कुल सेम ही एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हो जाएगा वाई इक्वल्स टू ए की पावर एक्स का और ये ग्राफ हो जाएगा लॉग ए वाई इक्वल्स टू एक्स का ये इसका ग्राफ हो जाएगा और ये इसका ठीक है तो इसे हम मिरर भी बोलते हैं कि मिरर इमेजेस बनाते हैं ये क्लियर है ये बात ठीक है तो हमने अब पढ़ लिया अबाउट एक्सपोनेंशियल लॉग ठीक है बट इसके अंदर अगर मैं मेनली बेसिकली डिफरेंस की बात करूँ कि हमने चलो हमने ड्रॉ भी कर लिया है इसका बेस की अगर हम मैं बात करती हूँ तो क्या मतलब क्या है इसका ठीक है इसको देखो एक बार और इसको देखो अगर मैं एक फ़ाइनल स्टेटमेंट दूँ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दूँ तो स्टेटमेंट क्या बनती है कि एक्सपोनेंशियल में आप पावर का आंसर निकालते हो है, है ना एक्सपोनेंशियल में आप पावर निकालते हो कि टू की पावर थ्री आंसर आ गया एट तो एक्सपोनेंशियल में आप बस पावर निकालते हो ठीक है लॉ का मतलब क्या होता है लॉ का मतलब है कि जो आंसर आया है ठीक है जो आंसर आया है वो किस नंबर की पावर है कि जो आंसर आया है उस वो किस नंबर की पावर है समझ में आ रही है बात देखो यहां पावर आंसर आ गया तो जो आंसर आया है वो किस नंबर की पावर है दैट इज द लॉग तो बस इसको हमने एक तरीके से अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए किया कि पावर किसी की पावर सॉल्व करना दैट इज द एक्सपोनेंशियल ठीक है उस पावर का जो आंसर आया उसका जो हम लॉग ले रहे हैं उसका मतलब है कि किस पावर की मतलब ऐसे नंबर की नंबर की कौन सी पावर है जिसका आंसर ये है ठीक है स्टेटमेंट समझ में आई ठीक है तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन लोगैर लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो ये तो हो गई नॉलेज फॉर एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शंस तो अगर इनके डिफ्रेंसिएशन करने से पहले मैं आपको लॉग के कुछ फॉर्मूलाज बता देती हूँ कि कहीं लॉग आ जाए तो हमें उसे कैसे डील करना है तो लॉग के कुछ फॉर्मूलाज हैं सबसे पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मान लो एन सी आर टी में सिर्फ कहीं भी लॉग लिखा हुआ है ठीक है कोई बेस मेंशन नहीं है जैसे यहाँ पे हमने बेस मेंशन किया हुआ है तो कहीं भी बेस मेंशन नहीं है तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि जो लॉग है तो उसका जो बेस होगा वो ई e होगा ठीक है लॉग क्या होगा उसका बेस क्या होगा उसका ई e होगा ये याद रखेंगे कहीं भी एनसीईआरटी में मेंशन है क्योंकि हमने डील ही इससे करनी है ई e वाले से क्लियर तो अब यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूलाज बता रही हूँ आपको मान लो कोई भी एक लॉग है और यहाँ पर कोई दो फंक्शंस हैं ठीक है ठीके? कोई दो फंक्शंस हैं मान लो एम और एन दो फंक्शंस हैं और दोनों जो हैं वो किस में हैं मल्टीप्लाई में है ठीक है मल्टीप्लाई में है तो हमें पता है इसका बेस ई e ही है तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ओपन करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग एम बेस ई और दोनों में आ जाता है प्लस क्या आ जाता है प्लस ठीक है सेम चीज़ मान लो यहाँ पर अगर कोई दे रखा है लॉग बेस ई ही हम मान रहे हैं मान लो एम का स्क्वायर दे रखा है ठीक है तो एम का स्क्वायर का क्या मतलब है इसको हम दो में लिख सकते हैं यानी कि लॉग e m इन टू और दो का मल्टीप्लीकेशन इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं लॉग e m प्लस लॉग e m दोनों सेम है तो टोटल लिख सकते हैं हम लॉग e टू लॉग e m ठीक है तो हमने ये तो इसको सॉल्व करके दिखा दिया राइट नहीं तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर जर्नल फॉर्म में लिख सकते हो कि अगर कोई भी आपके पास लॉग है ठीक है e ई है और एम की पावर कुछ भी एन है एनीथिंग एन है तो आप उसको ला सकते हो आगे एन लॉग ई एम ठीक है तो इस तरीके से आप इसको जर्नल फॉर्म में इसको लिख सकते हो जैसे यहाँ पे टू था तो टू आगे आ गया, गया यहाँ टेन होगा तो टेन आगे आ जाएगा फिफ्टी होगा तो फिफ्टी आगे आ जाएगा ठीक है आगे चलते हैं जब आप इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको और समझ में आएगा कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट है अब आपके पास लॉग और अगर ये मल्टीप्लिकेशन की जगह यहाँ पे डिवीज़न में है तो सेम फॉर्मूला बस बीच में नेगेटिव आ जाएगा लॉग ई एम माइनस लॉग ई एन अगर ई e आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा इट इज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट लॉग का बेस हम ई e ही ले रहे हैं ठीक है एंड लास्ट वन अगर लॉग ई e, और यहाँ पर भी ई e है एक्सपोनेंशियल भी ई e है तो उसका आंसर आता है वन ठीक है या फिर और कोई कुछ भी है लॉग मान लो यहाँ पे कोई ए है और यहाँ पर भी ए है तो भी उसका आंसर आएगा वन कैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखो लॉग मान लो यहाँ फाइव है और यहाँ फाइव है इसका भी आंसर क्या आएगा वन आएगा कैसे मैंने आपको क्या बताया था लॉग आपका ऐसा होता है ठीक है यानी कि टू की पावर थ्री वो एट आ रहा था है ना तो यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगी फाइव की पावर वन वो क्या आएगा फाइव ही तो आएगा है ना ये देखो ना इस तरीके से ये इसका मतलब एट क्या है टू की पावर थ्री थी एट आया फाइव की पावर वन फाइव आएगा ठीक है तो इस तरीके से किसी का भी ई e की पावर वन इस ई इसको इस तरीके से हम बोलते हैं ठीक है तो ये था आपके कुछ जनरल फॉर्मूलाज फॉर लॉग नेक्स्ट अब आपके पास आता है अब हम इसकी डिफ्रेंसीशन हम किस तरीके से करते हैं तो डिफ्रेंसीेशन के कुछ फॉर्मूलाज हैं वो करते हैं सो नाउ दे आर फ्यू फॉर्मूलाज फॉर डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉग फंक्शंस तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है आपके पास वो ये है कि अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ही हम बात करेंगे ठीक है कि e की पावर x है तो उसका डेरेवेटिव डायरेक्ट आपके पास e की पावर x ही आता है ठीक है और सेकेंड में अगर हम यहां पर e की पावर x ना बात करके नॉर्मल हम कोई भी और बात कर रहे हैं मान लो a कोई भी कांस्टेंट है उसकी पावर x का अगर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला आपके पास बनेगा a की पावर x log इन सब का जो प्रूफ है वो आपके सिलेबस में नहीं है आपने डायरेक्ट यही आंसर लिखना है ठीक है तो कोई भी कांस्टेंट सिंपल ई है देखो यहाँ पे भी अगर मैं लॉग ई e लिखूंगी आएगा तो यही फॉर्मूला लॉग ई e और बेस क्या होगा ई e. तो लॉग ई बेस ई वो क्या हो जाता है वन तो आता क्या है ई e की पावर एक्स ही आता है ठीक है तो इसलिए हमने मैंने आपको सिर्फ लर्न कराने के लिए लिख दिया कि ई e की पावर एक्स इसका डेरिवेटिव ई e की पावर एक्स ही है ठीक है अगर कुछ और है यहाँ पे ई e के जगह कुछ और है यहाँ पे कांस्टेंट मान लो फाइव की पावर टू है तो हम फाइव की पावर टू लॉग और यहां पे आ जाएगा 5, इस तरीके से और अगर हम इसका वो करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं ओके okay? तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव नेक्स्ट नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं मान लो किसी किसी का भी डेरिवेटिव है आ, हम यहाँ पे डेरिवेटिव ले रहे हैं लॉग ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन कोई भी कांस्टेंट है लॉग टेन लॉग फाइव लॉग ट्वेंटी कुछ भी कांस्टेंट है तो उसका जो डेरिवेटिव आता है वो आता है जीरो ठीक है एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम डिफ्रेंश कर रहे हैं लॉग एक्स को और आपको पता होना चाहिए सब में जो बेस है वो ई e ही है ठीक है तो कोई भी हम एक्स का कोई भी फंक्शन का लॉग है उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वो आता है वन बाई एक्स ठीक है इन सब का कैसे यूज होता है ये हम अभी एग्जाम्पल्स करेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हम इनको सॉल्व करने वाले हैं और क्लियर हो जाएगा बस इसको एक बार ध्यान से रखेंगे इसको लर्न कर लेंगे तो स्टार्ट करते हैं हमारे एग्जाम्पल्स तो एग्जाम्पल सबसे पहले करते हैं ट्वेंटी फिफ्थ सो क्वेश्चन सॉरी एग्जाम्पल आपका ट्वेंटी फिफ्थ क्या कह रहा है इज इट ट्रू दैट एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर लॉग एक्स फॉर ऑल रियल एक्स फॉर ऑल रियल एक्स का मतलब क्या है अगर हम इस फंक्शन को ध्यान से देखते हैं ठीक है तो ये क्या है आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ठीक है ई की पावर एक्स है ठीक है ई की पावर कुछ है और जिसका आंसर एक्स आ रहा है ठीक है तो दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले तो ये बात करते हैं आ तो इसके अंदर लॉग भी रहा है लेकिन अभी हम लॉग की बात नहीं करते एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं ठीक है तो जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक्सपोनेंशियल हमने सिंपल लिखा था दैट इज इक्वल्स टू ए की पावर एक्स ये लिखा था है ना तो एक्स क्या था आपका इनपुट वाई क्या था आपका आउटपुट राइट इनपुट क्या था आपका डोमेन और आउटपुट क्या था आपका रेंज जो डोमेन था उसका मतलब क्या था कि आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट कर रहे थे ठीक है तो ऑल रियल नंबर्स था जबकि इसकी आउटपुट जो निकल के आ रही थी वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स निकल के आ रही थी ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ठीक है तो यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की जो डोमेन होती है वो होती है ऑल रियल नंबर्स और आउटपुट जो होती है वो होती है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स अगर हम इसको इससे कंपेयर करते हैं तो मुझे क्या दिख रहा है यानी कि x इज इक्वल्स टू ई की पावर log x यानी कि यहाँ log x क्या है इनपुट है और ये x जो है वो क्या है आउटपुट है ठीक है समझ में आई ये बात क्लियर तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि जो x है इस फंक्शन के लिए जो x है वो आउटपुट है आपकी और आउटपुट क्या थी आपकी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स ठीक है तो यहाँ तो ऑल रियल नंबर्स बोल दिया एक्स के लिए लेकिन हमें अपनी नॉलेज से पता चला कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की जो आउटपुट होती है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स आती है ठीक है तो यानी कि इस इस चीज को आप आंसर को लिख सकते हैं <coughs> पहले तो आप इसको आंसर को एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नो इट इज नॉट ट्रू बिकॉज द आउटपुट या फिर रेंज ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इज फॉर ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स क्लियर है ये बात नहीं तो अगर आपको अपने आंसर को एनसीआर से मैच कराना है तो आप एनसीआर से भी मैच करा के देख सकते हो कैसे उसके लिए समझो अब एक्सपोनेंशियल को अगर मैं छोड़ देती हूँ अगर यहां x की बात हो रही है तो अगर मैं सिर्फ log x को उठा दू है ना सिर्फ log x को उठाते हैं तो log x इज अ फंक्शन ठीक है इसके लिए ये जो हो जाती है ये क्या होती है इनपुट होती है है ना इनपुट जो यहाँ पे आता है वो आपकी आउटपुट होती है ये होता है इसके लिए ये इनपुट होती है और लॉग की जो इनपुट है ठीक है लॉग के लिए जो इनपुट होती है वो क्या होती है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स मैंने आपको बताया था कि वो एक्सपोनेंशियल का बिल्कुल उल्टा हो जाता है अभी बताया था अभी फंक्शन हमने किया था कि अगर लॉग की इनपुट की बात करें डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन उसकी क्या होती है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स होती है जस्ट ऑपोजिट ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और जो इसकी डोमेन होती है Uh, जो इसकी डोमेन होती है सॉरी इनपुट इनपुट यानी कि डोमेन डोमेन होती है पॉजिटिव रियल नंबर्स जो इसकी आउटपुट होती है दैट इज द रेंज जो रेंज होती है वो होती है आपकी ऑल रियल नंबर्स ठीक है तो यहाँ अगेन वही बात आ रही है कि अगर आप इसको लॉग फंक्शन एक्सप्लेन करते हो कि डोमेन जो होता है लॉग फंक्शन का वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स होता है ना कि ऑल रियल नंबर्स ठीक है तो सबसे पहले तो हम ये लिख देंगे नो no, the domain of log functions is the set of all positive real numbers ठीक है एक तो ये बात हो गई अब इतना सा तो आंसर नहीं लिखोगे ना इज दैट ट्रू अब इसको आपने एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि हमें आंसर क्या लेकर आना है कि पॉजिटिव है। अब इसको प्रूव भी तो करेंगे कि सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए ही होती है तो हम क्या करेंगे इस फंक्शन को उठाएंगे और इसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे सॉल्व करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स क्योंकि हम हमें क्या चाहिए हमें लॉग एक्स को लेकर आना है तो लॉग एक्स कैसे लेकर आएंगे नीचे यहाँ पे दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली लॉग आ जाएगा तो लिखो लॉग एक्स इज इक्स टू लॉग ई की पावर लॉग एक्स ठीक है तो लेफ्ट में तो लॉग एक्स आ ही रहा है यहां अगर हम बात करते तो यहाँ मैंने अभी भी आपको एक फॉर्मूला बताया था लॉग ई की पावर जो होगा कोई भी कोई भी यहाँ पर है पावर कोई भी है यहाँ पर ठीक है मान लो एन है तो हमें क्या बताया था मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी कि कोई भी पावर एन है तो हमें नीचे लेकर आना पड़ता है उसका है ना तो हमें इसको नीचे लेकर आना पड़ेगा एन और लॉग ई e है तो लॉग ई e लिखना पड़ेगा तो यहाँ है क्या लॉग एक्स है तो लॉग एक्स को नीचे लाना पड़ेगा ये लॉग एक्स नीचे ले आएंगे ठीक है और फिर से क्या हो जाएगा लॉग ई e हो जाएगा ठीक है तो अब देखो वी नो दैट लॉग ई उसका बेस ई e है तो लॉग ई e, जिसका बेस ई e हो वो क्या आता है आंसर वन आता है तो उसकी जगह पे वन पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा लॉग एक्स इज इक्ल्स टू लॉग एक्स लेफ्ट राइट हैंड साइड और ये तभी पॉसिबल है व्हेन एक्स इज ग्रेटर ग्रेटर देन जीरो ठीक है ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हो गया ऑल रियल पॉजिटिव नंबर्स तो ठीक है तो आप फाइनली यहाँ पे लिख सकते हो हैंस x is equals to e log x is true only for positive values of x. Positive values of x. अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव होती तो यहाँ बाहर नेगेटिव आ जाता ठीक है यहाँ नेगेटिव होता यहाँ पॉजिटिव हो जाता तो वो तो पॉसिबल नहीं था ठीक है तो this is only possible for the पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स नेगेटिव होता तो कुछ ना कुछ फॉर्मुलेज में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जैसे यहाँ आई है वैसे ना आती तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है तो ये था आपका एग्जाम्पल ट्वेंटी फिफ्थ चलिए करते एग्जाम्पल ट्वेंटी सिक्स तो अब करते हैं एग्जाम्पल ट्वेंटी सिक्स और इसके हैं फोर पार्ट्स हैं तो सबसे पहला पार्ट है आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फर्स्ट पार्ट है ई e की पावर माइनस एक्स ठीक है तो सबसे पहले तो हम फंक्शन ही लेट करते हैं तो हम लेट करेंगे y इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स तो अब हमने डिफरेंशिएट करना तो वही लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स ठीक है तो लेफ्ट हैंड साइड में तो डी वाई बाई डी एक्स ही है राइट right? अब यहाँ पे देखो अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है मैंने अभी अभी, अभी आपको इसके डेरिवेटिव्स का भी फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है है ना चलो तो यहाँ e की पावर माइनस एक्स है तो e की पावर माइनस एक्स का ही होगा लेकिन हमें यहाँ पर इसका एंगल का फिर से करना पड़ता है तो e की पावर डेरिवेटिव uh, हमें करना पड़ेगा किसका माइनस एक्स का अगर यहाँ पे e की पावर x था तो e की पावर x लिखते साथ में डेरिवेटिव करते dx एक्स बाई वो वन हो जाता छुट्टी लेकिन e की पावर माइनस एक्स है तो एंगल भी तो है एंगल का भी डेरिवेटिव करेंगे ना तो हो जाएगा माइनस का x, तो माइनस एक्स के लिए तो dx एक्स बाई तो वन ही होता है तो माइनस बाहर आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स और x का डेरिवेटिव क्या होता है वन वो लिखने की जरूरत नहीं है नाउ दिस इज योर आंसर वेरी सिंपल ठीक है ऐसे ही करेंगे अब हम इसका सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट ओके तो सेकेंड पार्ट में है आपके पास यहां पे पहले ही है कि एक्स इज ग्रेटर देन जीरो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लॉग के जितने भी इनपुट होते हैं वो पॉजिटिव रियल नंबर्स होती हैं है ना अभी अभी हमने सेकेंड ट्वेंटी फिफ्थ एग्जाम्पल में हमने प्रूव करा है तो पहले तो फंक्शन मान लो वाई इक्वल्स टू साइन लॉग क्स अब करना है तो करो, तो, एकस, तो करो करो विद रिस्पेक्ट टू ऑफ़ ठीक है अब यहां पर देखो आ, हमें दी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट लिख दिया अब साइन का क्या डेरिवेटिव होता है साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कौस. है ना ये पढ़ रखा हमने तो मैंने आपको पहले से ही ऑप्शन दे रखा था पहले पावर देखते हैं फिर हम फंक्शन देखते हैं और फिर हम एंगल पे जाते हैं तो यहाँ पावर तो कुछ नहीं है तो पावर स्केप फंक्शन फंक्शन कौन सा है साइन और एंगल क्या है यहाँ पे लॉग तो पहले तो साइन का डेरिवेटिव कर दो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस और कॉस एंगल वही जो साइन में यूज़ हो रहा है दैट इज लॉग एक्स अब यहाँ सिर्फ साइन एक्स होता तो यहाँ पे हम कॉस एक्स लिख देते हैं लेकिन यहाँ पे एक और फंक्शन है यानी कि एंगल एंगल का भी अब हम डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कौन सा एंगल है लॉग एक्स एंगल है ठीक है और लॉग एक्स का डेरिवेटिव अभी अभी मैंने आपको लिखवाया है याद करने को भी बोला था क्या होता है लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स तो फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स कॉस लॉग एक्स बाई एक्स दिस इज द फाइनल आंसर ठीक है तो देखो ये ट्रिक कहां तक काम आ रही है पावर नहीं थी फंक्शन पे गए फंक्शन के बाद हमने एंगल का किया डेरिवेटिव एंगल का डेरिवेटिव हमें पता है लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है वन बाय एक्स हमने डायरेक्ट लिख दिया ठीक है तो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट तो थर्ड पार्ट में है अब आपके पास वाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ई की पावर एक्स अभी इनवर्स वाले आगे ये और भी इजी होते हैं देखो कैसे करेंगे पहले तो वही लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो करो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन दैट इज कॉस इनवर्स ई की पावर एक्स ठीक है अब हमें पता है कि डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स क्या था माइनस वन अपॉन में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ये था ना डेरिवेटिव हमने लास्ट ही एक्सरसाइज में करा था है ना हमने पढ़ा था डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला था और कॉस के लिए बस माइनस आ जाता है है ना और फिर टैन के लिए क्या होता है वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर ये पढ़ रखे हमें लर्न कर रखे हैं ठीक है अब यहाँ पे तो एक्स होता है इसका एंगल और तो हम यहाँ एक्स लगा देते हैं लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं है यहाँ पर ई की पावर एक्स है तो कोई बात नहीं हम ई की पावर एक्स लगा देंगे यहाँ पर तो लिख दो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन अंडर रोट वन माइनस एक्स यानी कि एंगल का स्क्वायर यहाँ एंगल क्या है e की पावर x, तो ये हो जाएगा e की पावर x का स्क्वायर अब यहाँ अगर x होता तो हम एक्स यहीं पर ऐसे एक्स लगा के छोड़ देते लेकिन यहाँ एक्स नहीं है ई एक्स है तो ई एक्स का हमें फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा ठीक है यही चीज है कि हमें यहाँ कुछ और होता है एक्सेप्ट एक्स तो हमें फिर से डेरिवेटिव करना होता है एंगल का फिर से डेरिवेटिव करना होता है ठीक है करते तो हम एक्स का भी है लेकिन वो वन आता है इसलिए हम लिखते नहीं है, राइट तो अब करो डी वाई बाई डी एक्स अब हमें पता है डेरीवेटिव ऑफ ई की पावर इज ई की पावर एक्स ही होता है डेरीवेटिव उसका तो डायरेक्ट लिख देंगे माइनस ई के पावर एक्स ऊपर है अंडर रूट वन माइनस ई एक्स का स्क्वायर क्या हो गया टू एक्स पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाएगी ना एंड दिस इज योर फाइनल आंसर ठीक है तो ये था इसका थर्ड पार्ट अब करते हैं इसका हम फोर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट में क्या है अब फंक्शन आपको दे रखा है y इक्वल्स टू ई की पावर cos x तो हम क्या करेंगे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स और ई e की पावर cos x तो अब यहाँ पे देखिए हमें पता है नॉर्मल जो डेरिवेटिव होता है e की पावर x का वो e की पावर x ही आता है, है ना तो यहाँ पर लिखते की कोशिश करते हैं e की पावर यहाँ x नहीं है कोई और एंगल है बट होगा तो यही डेरिवेटिव तो लिख देते हैं e की पावर cos x तो पहले आ ही जाएगा अब यहाँ x ना हो के कोई और फंक्शन है तो उसका फिर से डेरिवेटिव होगा d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स ठीक है तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा dy बाई डी एक्स ई की पावर कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव सिंपली हमें पता है दैट इज माइनस साइन एक्स तो फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे माइनस साइन एक्स ई की पावर कॉस एक्स इसका आ जाएगा डेरिवेटिव दिस इज द आंसर वेरी सिंपल तो क्या था हमें बेसिकली एंगल हमें पता होना चाहिए बेसिकली हमें उसका रूल पता होना चाहिए ई की पावर एक्स है तो ई की पावर एक्स है तो यहाँ पर एक्स नहीं था कॉस एक्स था तो पहले तो वही इस फॉर्मूला लग जाएगा और इस एंगल का फिर से हो जाएगा डेरिवेटिव ठीक है अगर यहाँ पे कुछ और होता मान लो d बाई डी एक्स ई की पावर सिंपल अगर 2x है तो क्या होगा तो पहले तो हम e की पावर 2x ही लिखेंगे और 2x का डेरिवेटिव फिर से हो जाएगा 2x का डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 बाहर e की पावर 2x और dx बाई डी एक्स वन ही होता है इस तरीके से तो अगर हमें बेसिक रूल पता है उसके बाद फिर इसकी पावर कुछ भी हो हम उसका डेरिवेटिव फिर से कर सकते हैं तो ये था इसका फोर्थ पार्ट दिस वॉज द एग्जाम्पल ट्वेंटी सिक्स थैंक यू दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज फाइव पॉइंट फोर कम्प्लीट थैंक यू